नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SBN लाइव न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं बात कर लेता हूँ कर्नाटक सरकार की। देखिए, पीएम मोदी ने कहा कर्नाटक सरकार भ्रष्टाचार में गोल्ड मेडलिस्ट है। जी हाँ, ये कहना है पीएम मोदी का। रिपोर्ट्स की तरफ मैं रुख कर लेता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कर्नाटक सरकार भ्रष्टाचार में गोल्ड मेडलिस्ट है और कांग्रेस नेता सत्ता के नशे में चूर है। पीएम मोदी ने इस राज्य में आगामी चुनाव से कुछ दिन पहले बीजेपी की रैलियों को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां की। राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी ने राष्ट्रीय नायकों और सेना का अपमान करने पर कांग्रेस की निंदा की। पीएम मोदी ने त्रिशंकु विधानसभा के चुनावी विश्लेषकों के पूर्वानुमान को खारिज करते हुए कहा बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा जनता ने कांग्रेस के अंतिम किले को ढहाने का मन बना लिया है। ये सारी बातें पीएम मोदी ने अपनी बातचीत के दौरान कही। लेकिन अगर मैं बात करूं कर्नाटक में, तो कर्नाटक में बीजेपी को भी झटका लग सकता है। जी हाँ, दरअसल इसकी बड़ी वजह आपको मैं ये बता दूं, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि पूरे देश में जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से हर वर्ग के लोग परेशान हैं और जिस तरह से इन देखने को मिला, देश में कैश की किल्लत देखने को मिली, भ्रष्टाचार सरकार के शासनकाल में हुआ, और सबसे बड़ी बात है बेरोजगार का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है और सरकार ने बेरोजगारी का जो मुद्दा है उस पर ना तो काम किया, ना कैशलेस कह सकते हैं कैश की किल्लत थी उस पर सरकार ने काम किया, किसानों की परेशानियों पर सरकार ने काम नहीं किया, व्यापारियों की परेशानियों पर सरकार ने काम किया नहीं किया। जी हाँ, तो इन सब मुद्दों पर सरकार ने काम नहीं किया और ये सब मुद्दे जो है चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। इनका असर वोट पर पड़ सकता है, पड़ता भी है, देखने को भी मिलता है। तो इस तरह से पीएम मोदी ने हुंकार तो भर दी है कि कर्नाटक में उनकी जो सरकार है वो कहा कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी, ये बात कही थी। अगर मैं थोड़ा सा बीते आपको ले चलूँ, बीते साल गुजरात में जब चुनाव हुए थे तो कुछ ऐसा ही पीएम मोदी का कहना था। जी हाँ, पीएम मोदी का कुछ ऐसा ही कहना था कि चुनाव में जो है बीजेपी अपने दम पर चुनाव जीतेगी, भारी बहुमत आएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी कहा था कि भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगी और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सत्ता के उसमें जो है चूर है, नशे में चूर है, ये बात उन्होंने कही। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपका ध्यान गुजरात की तरफ लेके जाऊँ, तो गुजरात में जिस तरह की बातें, बड़ी बड़ी बातें पीएम मोदी और अमित शाह ने की थी, वो सभी बातें खारिज हो गई और वो सभी बातें फिसड्डी साबित हुई, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा उससे साफ नज़र आया कि बड़ी मुश्किल से पीएम मोदी की नाक बची, नहीं तो गुजरात में कुछ और ही रूप देखने को मिलता है। गुजरात में कांग्रेस का चेहरा वहां पर देखने को मिलता, गुजरात में कांग्रेस की पार्टी देखने को मिलती, लेकिन किसी तरह से वहां पर पीएम मोदी की नाक बच गई। तो देखिए, हम यहां पर ये कहना चाहते हैं कि कर्नाटक में भी जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने काम तो किया नहीं है और ऐसे में बड़ी बातें की जाती हैं चुनाव जीतने की, तो कहीं ना कहीं चुनाव का असर देखने को मिल सकता है और चुनाव पर देखिए फ़र्क भी पड़ सकता है इन सब बातों से। तो आपको बता दूं, बीते कुछ दिनों पहले राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर थे और उन्होंने जमकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। देखिए ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक में चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस। कर्नाटक की जनता, किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार दिन भर अपना भविष्य बनाने के लिए काम करते हैं। आप सब लोग कम से कम 8-10-12 घंटे रोज काम करते हैं, सही बात है, बात करते हो। हमारा कहना है कि जो कर्नाटक की जनता काम करती है और दिन भर अपना खून पसीना कर्नाटक के लिए देती है, सरकार का पैसा, सरकार का फायदा उन लोगों को मिलना चाहिए। आरएसएस बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक में किसान काम करे, मजदूर काम करे, छोटा दुकानदार काम करे, छोटा बिजनेसमैन काम करे, दिन भर काम करे, अपना खून पसीना दे और उसके बाद जो पैसा वो व्यक्ति बनाता है, गरीब व्यक्ति बनाता है,
कर्नाटक का पैसा है वो पूरा का पूरा 5-10 बड़े उद्योगपतियों के जेब में चला गया। ये विचारधारा में फर्क है। हम कहते हैं कि फायदा हो, मदद हो तो गरीब जनता, कमजोर लोगों की हो, किसानों की हो, कर्नाटक के लोगों की हो, वो कहते हैं पूरा का पूरा फायदा 5-10-15 उद्योगपतियों को दिया जाए। तो देखा आपने कि किस तरह से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। अगर मैं बात करता हूँ अमित शाह की, तो बीते दिनों अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर थे और उन्होंने लिंगायत के प्रमुख से मुलाकात की थी, और साथ ही साथ क्या बात हुई और किस तरह से चुनाव जीतने को लेकर वहाँ पे रणनीति बनाई गई, देखिए खास। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने टुमकुरू के सिद्ध गंगा मठ में लिंगायत समुदाय के संत श्री शिव कुमार स्वामी से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया और कर्नाटक की 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत भी की। गौरतलब है कि कर्नाटक में अप्रैल मई महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से अमित शाह स्वामी जी के चरणों में बैठे हुए हैं, और इतना ही नहीं उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं। श्री शिव कुमार स्वामी से शाह की मुलाकात को लिंगायत वीरशैव समुदाय तक पहुँच कायम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य में समुदाय की आबादी अच्छी खासी है और यह राजनीतिक तौर पर ताकतवर माना जाता है। इस समुदाय में भाजपा की अच्छी बैठ बताई जाती है। स्वामी और शाह की मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है जब पिछले दिनों ही कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने केंद्र से सिफारिश की है वह लिंगायत एवं वीर शैव लिंगायत समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दे। सिद्धरमैया सरकार के इस कदम को लिंगायतों को भाजपा से दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। शाह ने एक ट्वीट में कहा, सिद्ध गंगा मठ टुमकुरू के श्री श्री शिव कुमार स्वामी जी से आशीर्वाद लेने का सौभाग्य उन्हें मिला। इस उम्र में भी उनका अथक कार्य प्रेरणादायी है। उनका जीवन एक जीता जागता सबक और हम सब एक मार्गदर्शक है। आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में जिस तरह से अमित शाह ने ये नई तरह की रणनीति अपनाई है, इससे बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें जिस तरह से अमित शाह की ये रणनीति है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकती है। आपको बता दूं कि 2019 का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी काफ़ी हद तक कोशिशें कर रही हैं। दोनों अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव से पहले ही अमित शाह ने इस तरह की रणनीति बनाई है और जो पैंतरा खेला है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। वहीं कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात की आशंका अब जताई जा रही है कि कर्नाटक में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी की जीत हो सकती है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी की जीत होगी या नहीं। जिस तरह से अमित शाह ने एक बड़ा दांव चला है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत पक्की हो गई है और इससे बीजेपी को फायदा हुआ है। बीजेपी हर स्तर पर कोशिश कर रही है कि कैसे चुनाव को जीता जाए। दरअसल बीजेपी ने सबक भी लिया है कि यूपी की लोकसभा की 2 सीटों पर, फूलपुर और गोरखपुर पर जिस तरह से उन्हें हार मिली है, उससे कहीं ना कहीं सबक लेते हुए बीजेपी अब कोई भी गलती नहीं करना चाहती। वो हर तरीका अपना के चुनाव जीतना चाहती है। तो देखा आपने कि अमित शाह की क्या रणनीति बनाई गई है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी भी कर्नाटक के दौरे पर हैं और जिस तरह से वो वोटर्स को लुभाने में लगे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है चुनाव को लेकर कितने गंभीर नज़र आ रहे हैं दोनों पार्टी। आपको दिखाते हैं पीएम मोदी ने किस तरह से किसानों से बात की, वोटर से बात की, देखिए खास रिपोर्ट। मैं कर्नाटक के नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा पहले तो, और आप लोग किसान मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, आखिर के इन मोर्चों का दायित्व यही होता है कि उस क्षेत्र विशेष में भाजपा की बात, सरकार की बातें पहुंचाना और उस क्षेत्र विशेष के लोगों की कठिनाइयां भाजपा की वरिष्ठ नेतागिरी को पहुंचाना, सरकारों को पहुंचाना, और ये काम, ये जो ब्रिज है, मैं समझता हूं ये किसानों की समस्याओं का समाधान करता है और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका किसान मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। दूसरा, एक ही क्षेत्र में पूरा समय काम करने से उस क्षेत्र विषय की मास्टरी आ जाती है। तो देखा आपने कि चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव नज़दीक है और तमाम तरह से कोशिशें दोनों पार्टियां कर रही हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार बीजेपी 2019 को लेकर क्या रणनीति बना रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा था कि बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को और मजबूत बनाने और पार्टी के विकास एजेंडे को गरीबों तक पहुंचाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। सिंह ने कहा, हमने अपने सुशासन के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की और मुख्यमंत्रियों ने बताया कि वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक हर घर में बिजली पहुंचाने और 2022 तक सभी परिवारों को घर मुहैया करवाने का फैसला लिया गया है। भाजपा के एक मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश में केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में प्रस्तुति दी और आगे की कार्य योजना पेश की। बैठक के दौरान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय बजट में प्रस्तावित योजनाओं को आने वाले समय में अपने अपने प्रदेशों में लागू करने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में योजनाओं को लागू करने की समीक्षा और जनता के बीच प्रभाव का आकलन करने को कहा। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उप मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह एवं कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा, इन परिस्थिति में सरकार और पार्टी दोनों की कोशिश है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। इस वक्त देश के 19 राज्यों में भाजपा या फिर सहयोगियों के साथ उसकी सरकार है। पार्टी का मानना है कि अगर राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहना दिया जाए तो फिर इसका व्यापक असर पड़ेगा। 2018-19 के आम बजट में केंद्र सरकार ने गांव, गरीब और किसान पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। ऐसे में पार्टी का जोर इस बात पर है कि बजट के प्रावधानों को धरातल पर उतारा जाए। बैठक में देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने, किसानों को फसल के उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य देने के अलावा केंद्र सरकार की उज्ज्वल योजना, सौभाग्य योजना, जन धन योजना को लागू करने की विविध आयामों पर भी बात होने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का हमेशा से इस बात पर जोर रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य की जो योजनाएं हैं उनका लाभ समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, विजय रूपाणी और कई नेता शामिल थे। तो देखा आपने कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं चुनावी माहौल की, तो चुनाव शुरू हो चुका है और दोनों पार्टियां तमाम तरह की कोशिश कर रही है, लेकिन आखिरकार विजेता कौन होता है, जीत किसकी होती है, ये तो तय करेगी जनता, और जनता ही इस बात का फैसला करेगी कि किसको सत्ता पर बिठाना है और किसे बेदखल करना है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।